खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए सच दिखाते हैं। मैं हूं आपके साथ जहाना और आप देख रहे हैं मन्ना समाचार। तो चले चलते हैं ताज़ा खबरों की ओर। राष्ट्रीय लोकदल द्वारा निकाली जा रही न्याय यात्रा आज मुजफ्फरनगर की पुरकाजी में गांव हरिनगर, जिसमें हरिनगर गांव में मौजूद सैकड़ों की संख्या में दलित समाज के लोगों को अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रशांत कनौजिया ने संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा दलित समाज का शोषण व उत्पीड़न जिस प्रकार किया जा रहा है वह बर्दाश्त से बाहर है। आने वाले इस विधानसभा चुनाव 2022 में सरकार बदल रही, जिसमें अगर राष्ट्रीय लोकदल की सरकार की सत्ता में आती है तो पीड़ितों दलितों की आवाज को प्रमुखता से उठाया जाएगा। साथ ही दलितों के लिए एक विशेष संकल्प पत्र जारी किया जाएगा, जिसमें दलितों वंचित समाज के लोगों की आवाज को उठाने के लिए इनके भविष्य को संवारने के लिए नीति बनाई जाएगी। आज के कार्यक्रम में मुख्य रूप से संयोजक कमल गौतम रहे। कार्यक्रम में डॉक्टर सुशील कुमार, यशवीर सिंह, नरेंद्र खजूरी, रालोद जिला अध्यक्ष प्रभात तोमर, धर्मेंद्र राठी, तारीफ मुस्तफा, अभिषेक चौधरी, संगीता दोहरे, युवा किसान नेता पराग चौधरी, अर्जुन झाबरपुर, अंकित सहरवात के साथ रालोद के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। पूर्व प्रधान धर्म सिंह के पुत्र अर्जुन, नितिन, गौतम आदि लोग मौजूद रहे। पुरकाजी से मन्नत समाचार के लिए शहजाद पत्रकार की रिपोर्ट। सर, आज जबलपुर के अंदर किस तरह की मीटिंग की गई है? देखिए, ये राष्ट्रीय लोकदल ने न्याय यात्रा का आयोजन किया है। प्रदेश के अंदर लगातार दलित पिछड़ों अकलियतों पर अत्याचार हो रहे हैं, जिनको न्याय नहीं मिल रहा है और उल्टा DM ऑफिस जाएं तो वहाँ भगा देते हैं, SHO भगा देता है, CO नहीं सुनता, SP नहीं सुनता, ना अदालतें सुनती हैं। तो उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनका दर्द बांट रहे हैं, उनकी सूची बना रहे हैं कि 2022 में हमारी सरकार बनने जा रही है तो उनको सबसे पहले हमारी ये प्राथमिकता होगी कि उनको पहले न्याय मिल सके। उनसे जो वादे किए गए थे सरकार द्वारा, सरकारी नौकरी हो या फिर एक धनराशि हो, वो उनको मिल सके। उसके अलावा कल मुजफ्फरनगर के DM से मिलकर हम ज्ञापन दे रहे हैं कि कोविड में जो लोग मारे गए हैं सरकार की नाकामियों की वजह से, उन्हें 4-4 लाख रुपये मुआवजा दिया जाए। इसके साथ ही जो हमारे सफाई कर्मचारी भाई हैं जिन्हें सीवर में उतरना पड़ता है, ऐसी कुप्रथा को रोककर वहाँ मशीनें लाई जाएं और जो संविदा पर काम कर रहे हैं उन्हें प्राइवेट से हटाकर उन्हें सरकारी नौकरी पर रखा जाए और समान वेतन दिया जाए। इन सभी मुद्दों को लेकर हम निकले हैं और ये भागीदारी का पूरा मसला है कि इस समय दलित, पिछड़ा, आदिवासी, मुसलमान, किसान, जवान, मजदूर, बेरोजगार सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना चाहता है। उसी के लिए ये कड़ी है। हम लोग पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं और एक अच्छा रुझान मिल रहा है, लोगों का जन समर्थन मिल रहा है और लोगों ने क्लियरली मैसेज दिया है कि योगी आदित्यनाथ को इस बार गोरखपुर तो क्या, जरूरत पड़ी तो उत्तराखंड में भी जाए।